एकता कपूर एंड टाइगर श्रॉफ की मॉम आयशा श्रॉफ के बीच में हुई नेपोटिज्म को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ बात. लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट दिस कन्वर्सेशन वाज. एकता कपूर और टाइगर श्रॉफ की मॉम के बीच सोशल मीडिया पर हुई एक छोटी सी टकरार. दरअसल एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर मेंशन किया कैसे उन्होंने फिल्म लैला मजनू में नए एक्टर्स को लॉन्च किया है, और इस पर आयशा श्रॉफ ने रिप्लाई करते हुए कहा, इट्स नॉट अ सिन टू हैव अ स्टार फादर माय डियर, हार्ड वर्क एंड टैलेंट इज द सेम नो मैटर व्हाट कास्ट क्रीड और लीनिएज. आयशा श्रॉफ के इस स्टेटमेंट पर एकता कपूर ने रिप्लाई करते हुए कहा, नॉट एट ऑल मैम, आई हैव वन, बट यू हैव टू एडमिट फॉर अ प्रोड्यूसर टू सेल मार्केट एंड टर्न अराउंड अ फिल्म विद न्यू कमर्स इज फार टफर विद नो लीनिएज अटैच्ड. This is no slight to any star kid, least of all Tiger, who is fantastic, but a request to give other kids a chance too. Well, saaf hai nepotism ko lekar Bollywood mein bhi hai different points of opinion. सुगुंजन, इस टॉपिक की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि एकता कपूर से जो उनकी अपकमिंग मूवी आ रही है लैला मजनू, उसमें बिल्कुल न्यूबीज हैं, तो उनसे पूछा गया अबाउट नेपोटिज्म. तो एकता कपूर का कहना था दैट आई डोंट वांट टू फिल इंडस्ट्री विद टू मेनी स्टार किड्स, न्यूबीज दे ऑल्सो डिजर्व अ चांस, दे आर ऑल्सो टैलेंटेड. एंड यही बस उन्होंने बयान दिया, और उसके बाद मेरे ख्याल से टाइगर श्रॉफ की मॉम आयशा श्रॉफ ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और कहा दैट यू नो इट्स नॉट अ सिन टू हैव अ स्टार फादर और अ स्टार मदर. उन बच्चों को भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है जो स्टार किड्स होते हैं, बट द फैक्ट इज कि जब कोई स्टार किड लॉन्च होता है, फॉर एग्जांपल जानवी कपूर, ईशान खट्टर जिनकी मूवी आई धड़क, उनको जो बॉलीवुड से बैकिंग मिली, बैकअप मिला, यू नो एवरी बिग स्टार वाज आउट देयर टू सपोर्ट देम कि जाइए धड़क देखिए, एवरीवन वाज ट्वीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस एवरीवेयर, यू नो अनिल कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान, शाहिद कपूर, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग. लेकिन यही कोई न्यूबी आता है तो उनकी मूवी को प्रमोट करने में इतना फायदा नहीं मिलता. बिल्कुल, एंड दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट. एंड ऑल्सो जब सुहाना भी वोक के कवर पर आई तो बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हुई कि किस तरह से इन लोगों को प्रिविलेज मिलता है. एंड सबरी मेड अ पॉइंट एंड दे मेड अ वैलिड पॉइंट सेइंग कि यू नो एवरीबडी कम्स विद सम सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज. मतलब आप और मैं भी प्रिविलेज की वजह से हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं, एंड जस्ट बिकॉज हमें वो प्रिविलेज मिला है और किसी और को नहीं, वी डोंट लेट गो ऑफ इट, राइट? वी जस्ट वर्क विद इट. इन द सेम वे, जस्ट बिकॉज सुहाना एंड जानवी हैव दैट प्रिविलेज, वो उठा के किसी को दे नहीं सकते, एंड दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं दैट एवरी टाइम समबडी सेज कि आउटसाइडर्स को मौका मिलना चाहिए, द फैक्ट दैट इट इज अ बिग डील फॉर समबडी फ्रॉम the outside to come and make a mark, आप उसको अपना पॉइंट डिफेंड करने के लिए वहां पर आ जाइए. I mean, I personally feel एकता कपूर ने कुछ भी गलत नहीं कहा था, बिल्कुल सही कहा था. एकता कपूर ने बहुत ही क्लियरली कहा that I am not against nepotism, but it's just I don't want to fill the industry with too many star kids. Exactly. मैं नए लोगों को चांस देना चाहती हूं. Yeah, and we need those voices who can finally stand up and say, hey, it's difficult. एक, आपको नोटिस कराना, दो, अगर आपको मूवी मिल जाती है तो उसको मार्केट कराना, तीन, आपको उतना प्रमोशन में उतना फायदा मिलना, ऑडियंस को थिएटर्स पर लेकर आना. जब वो उस बारे में बात I think it was a little immature on Aisha Shroff's part to come and defend how tough it is for star kids. I mean, we already know कि आप घर बैठे star नहीं बन सकते, आपने भी hard work किया होगा. But then let's just put that on the side and agree and speak enough, because it has to be spoken enough number of times कि यार outsiders के लिए it is a different ball game.